पानी आ रहा है इसमें, खींचिए। वाह, कीजिए मुन्नू जी, देखिए ऊंचा से कितना ऊंचा है पहाड़ और कूद रहा है यहाँ से। हेलो फ्रेंड, स्वागत करे छे अहाँ सबके हम अपना यूट्यूब के बी ब्लॉग में, जे पाए हम मुन्नू उपस्थित छी अपना बबलू बावरिया जी के साथ एगो नया ब्लॉग ल कर। और आशा ने विश्वास करे छे कि ब्लॉग अहाँ सबके बढ़िया लागत, अच्छा लागत। तो जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट आ शेयर करू, या ना जना चिमनी के धुआं उड़े छे। ज्यादा टाइम नहीं लेते स्टार्ट करे छे अपना बी ब्लॉग के। नमस्ते एंड सलाम। ये हमारे बेलदार का जगह, देखिए कितना अच्छा दृश्य है। हम लोग पहाड़ पे आए हुए हैं, आज बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ घूमने के लिए। कितना अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ से नीचे जाने वाला है। और ये देखिए, ये हम लोग को छोड़ के भाग रहे हैं, ये रहे संदीप जी जो गाड़ी चला रहे हैं, और अब लगता है शायद बबलू जी भी आएंगे। और ये रहे बबलू जी। ओ हम भी आ, रुकिए रुकिए हम भी जाएंगे। लोकल इधर नहीं आ सके तो सोचा चलते हैं घूमने के लिए। दरअसल घूमने के लिए आए नहीं थे, बट मन हुआ था थोड़ा घूम लेते, आए थे हम लोग शूटिंग पे, लेकिन शूटिंग कैंसिल होने की वजह से हम लोग आज आ गए इधर घूमने के लिए। सोचा आप लोगों को कुछ इधर का नजारा दिखा दें। ये हमारे नेपाल के बेलदार का जगह है, 0 माइल से जस्ट 8-9 किलोमीटर आगे होगा, और हम लोग अभी और आगे जा रहे हैं और कुछ हम लोग को दिखाएंगे। हम लोग नीचे जा रहे हैं अब धीरे धीरे, और कैमरा काफी गिनता हुआ। संदीप जी आप इधर देखिएगा, कितना अंदर पहाड़ पर आप लोग आए। गाड़ी चलाने में मजा आया? गाड़ी को मजा नहीं आया होगा, देखिए हो गया है गाड़ी। गाड़ी सब भी चलती है इधर थोड़ा थोड़ा। देखिए इतने बड़े जंगल में हम लोग को सबसे पहले जो पसंद मिला है वो है चीता। अब जाते हैं इसके पास दोस्ती करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। दोस्ती करता है कि साला हमको रेवाएगा। भाग गया, अरे भागा रे, भागा रे, अतु अतु अतु, देखिए 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 भाग गया। खतरे लगे कि अब ये रुको पार्टनर, अतु अतु देखिए वहां जाकर देख रहा है। देखिए अभी मन्नू जी, देखिए ऊंचा से कितना ऊंचा है पहाड़ और कूद रहा है यहाँ से। हमको तो लगता है टांग हाथ में तोड़ ले, यो टांग हाथ में तोड़ ले बुझले, नहीं तो जाइयो में दिक्कत। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या सब है, देखने वाला चीज सब आगे क्या सब है। पूरा ऊपर में घर है यहाँ पे, यही पानी पीजिएगा। कचरा वाला पानी नहीं ना है, देखियो ये पानी जो है ना से पता नहीं ककरो कत से आग रहा है, बुझलिए। देखियो यही से पानी निकलता है, मूल का पानी। हाँ कहाँ से पानी आता है यहाँ पे, इसमें जो पानी आ रहा है किसी को पता नहीं है कि कहाँ से पानी आता है, सब पीता है यहाँ का पानी, बहुत अच्छा लगता है पीने में। देखिए हमारे इंदर जी पी रहे हैं। पीजिए ना, बहुत अच्छा रहा है, पीजिए ना। बहुत अच्छा स्टाइल है आपका पानी पीने का, सब सीख जाएगा इस समय, जानवर से कम पावर नहीं है। चलिए ठीक है,
जी संदीप जी, देखिए संदीप जी अब पानी पी रहे हैं शाम। देखिए ये लोग पहका रहे हैं, पहका भी चाहिए। जाओ जाओ बाबू जाओ जाओ, हम लोग इतना अंदर आ गए हैं नेपाल में तो शायद मैथिली लैंग्वेज भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम लोग का, क्योंकि इन लोग अपना लैंग्वेज है, ये लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, इन लोग का अपना लैंग्वेज चलता है। ये बच्चे लोग घूम के नहीं आ रहे, पढ़ के आ रहे, पता है। नेपाल का नजारा ही कुछ अलग होता है, यहाँ यहाँ पर देखने वाला जगह इतना अच्छा होता है, मन करता है यहाँ से वापस जाए ही नहीं। यहाँ पे ये लोग देखिए चल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे बिहार से भगा दिया गया है इन लोगों को। जंगल में बढ़िया बढ़िया सा पेड़ सब आपको देखने को मिलेगा, जो हम लोग उधर नहीं देख पाते हैं ना वो पेड़ सब मिलेगा। अब आप सोचते होंगे कि बांस, बांस जानते हैं ना, बांस देखे कुमकुम जी सर, ये है ऊपर रास्ता, काफी घना जंगल दिख रहा है और यहाँ पर ये पेड़ जो है, ये पौधा कुछ अलग ही चीज का लग रहा है, अलग ही तरह का लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है दूर से, शायद कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। और ये बांस, बांस जानते हैं ये तो हम लोग की तरह भी होता है, कीचड़ में मेरा पैर पड़ गया, जूता में लग गया मट्टी। और ये ऊपर जाने का रास्ता काफी डरावना लग रहा है, लेकिन हम लोग ऊपर चलेंगे। ओ भाई लोग आइए इधर चलते हैं ऊपर, देखिए इन लोगों को। कुछ कुछ भी नहीं है बाबू, कितना अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है ना। आज आप लोगों को नेपाल का दर्शन, हम लोगों को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह आज हो गया। ये देखिए ऊपर जा रहे हैं संदीप जी, ये निकले बबलू जी, और ये हमारे इंदल जी। अब हम भी चलते हैं लोगों के पीछे पीछे, सब बात नहीं है बाबू। ये देखिए कितना ऊपर हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, नहाने वाला है ये। चलो ऊपर, आओ बाबू लोग, देखिए ये लोग बात करते करते आ रहे हैं ऊपर, चलते चलते आधा एनर्जी खत्म हो चुका है और हम लोग आए हैं पहाड़ के टिल्ला पर। यहाँ पर खेत जोतने के लिए हर रखा हुआ है, लार पुआर देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर भी खेती होता है, बहुत बढ़िया। आलू प्याज बैगन पालक, पालक का साग इसी को बोलते हैं तो, राय का राय का साग है, बैगन का साग है ये, देखिए बैगन का गाछ छोटा छोटा है और साथ साथ हम लोग तंबाकू भी है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखते हैं, ये नजदीक से देखते हैं। तंबाकू का पौधा छोटा सा, अभी और बड़ा होगा, बताइए। और ये मिर्ची, नहीं यहाँ पर एक चीज है, आप किसी भी खेत में अच्छा से घूम लीजिए ना, कोई गाली नहीं देता हम लोग, जैसे हम लोग तब गाली देता है ना वैसे नहीं देता है। ये देखिए पहाड़ पर कितना मोटा मोटा मूली,
से चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, हम लोग तो मिर्ची लगाते हैं, मिर्ची लगता होगा, देखते होंगे मिर्ची खेत से, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से लगाते हैं मिर्ची का, तभी तो इतना इन लोगों का आती होता है, कितना ज़्यादा उपजाते होते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना अच्छा से इसको घेर के उसमें पानी डाल के फिर उसको बड़ा करते हैं। कहते हैं ना परिश्रम का फल मीठा होता है, वही पहाड़ पर देखिए कितना ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा होगा, बसरते हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। अब दिखाते हैं पहाड़ पर कहाँ घर होता है, थोड़ा थोड़ा सा घर भी होता है। वहाँ देखिए एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन शाम ज्यादा हो चुका है तो हम लोग यहीं से घूर जाएंगे। आगे काफी दूर तक यहाँ पर काफी मात्रा में खेती होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में। कहाँ से ये पहाड़ पर देखिए, पहाड़ पर ऐसा होता है ना घर, जैसे हम लोग गांव होता है ना वैसे नहीं होता। यहाँ पर एक घर यहाँ पर है तो एक घर वहाँ पर है, एक घर वहाँ पर है तो एक घर वहाँ पर है, फिर एक दिख रहा होगा वहाँ पर है और इधर सा ये है। तब हम लोग चलते हैं नीचे, शाम ज्यादा हो चुका है टाइम हम लोग के लिए, क्योंकि दूर भी जाना है, तो बस चलते हैं नीचे। चलिए हम लोग इतना ऊपर आते आते तो थक गए हैं, लेकिन देखिए मैथिली में बोलते हैं, देखियो तो वो बच्चा कत्ते छोट बच्चा से लेकिन पेड़ का आवे, वो भी बहुत दूर सा, आज जते ऊपर हम सब चढ़ के थक गए होते ऊपर ही बच्चा आराम से चल लेते, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जा रही है पढ़ के, कितना ऊपर लग रहा होगा आपको, लग रहा है बहुत ऊपर, बस वास्तव में बहुत ऊपर है। वो जाएगी वो ऊपर वाला जो टिल्ला जहाँ पे घर दिखाए थे ना, वहाँ पर जाएगी, शायद वही इनका घर है। अब हम लोग चलते हैं नीचे। कौन सी का गाछ है? कड़ी पत्ता, मीठा नीम। तोरी के हम नहीं बुझे। बबलू जी कौन चीज है ये? ये मीठा नीम है। मीठा नीम है। चलता है ना सब्जी में, दाल में, दिल्ली बॉम्बे में यही सब चलता है, दही का करी यही चलता है। ले लीजिए उखाड़ लीजिए ना, उठा उसका गाछ लगता है, उसका पौधा उखाड़ लीजिए, दो तीन तो है, दो तीन तो है, तो एक उखाड़ लीजिए, नहीं उखड़ेगा छोटा वाला उखाड़िए ना, ये वाला जो है, हाँ ये वाला ही उखाड़िए ना, जो होगा नहीं, शायद आपका मेहनत काम आ जाए, इतना ऊपर आके करी पता मिला है वो भी काम लग जाए। पानी आ रहा है इसमें, खींचिए, वाह कीजिए कीजिए ना यहाँ पे पानी बहुत है। एक सेकंड आ रहे हैं, सुंदर जी पानी पी रहे हैं, मजा आया पीने में, एकदम बहुत ठंडा है ना, ढक दीजिए। प्रेशर ज्यादा है पानी का, छोड़ दीजिए देखिए देखिए झूल रहा है मनु जी, चलिए ठीक है। देख रहे हैं ये लोग जा रहे हैं तो हमको भी चलना पड़ेगा, साथ साथ हम भी चल रहे हैं।
बकर कर रहे थे तो सोचे हम लोग हम भी अपना चेहरा दिखा देते हैं। नजारा काफी बढ़िया। नहीं है इतना नीचे है ना, आराम से गाड़ी बंद करके जा सकते हैं।